वैसे बॉलीवुड सिनेमा के लिए 2024 कुछ खास नहीं रहा। अगर हम स्त्री टू का इनकम निकाल दें तो बॉलीवुड के हाथ में ठुल्लू भी नहीं बचा। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बॉलीवुड 2025 के बारे में। वैसे बॉलीवुड में 2025 बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मतलब कुछ ऐसी मूवी बॉलीवुड की 2025 में रिलीज होने वाली है जो कि बॉलीवुड को वेंटिलेशन से उतार कर एक अलग ही दुनिया यानी कि एक रियलिटी वाली दुनिया में ला के खड़ा कर सके। जहां सोशल मीडिया पर क्रिस 4 को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जो कि आप सोच नहीं सकते। क्रिस 4 मूवी के डायरेक्टर राकेश रोशन का कहना है कि क्रिस किसी भी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं होगी। वैसे एक बात बता दो, क्रिस थी भी हॉलीवुड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब जिस हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते थे क्रिस 3 को, उस हिसाब से प्रेजेंट करके दर्शकों के सामने लाया है और हम यही कहेंगे कि वो भी मूवी हॉलीवुड को टक्कर दे सकती थी। तो चलो एक नज़र हम उसके बजट के बारे में भी डाल लेते हैं। क्रिस 3 यानी कि 135 करोड़ की बजट वाली मूवी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी, लेकिन वहीं पर राकेश रोशन का कहना यह है कि क्रिस 4 इससे भी ज़्यादा एडवांसेड लेवल में जाकर मूवी को क्रिएट करेंगे, यानी कि एकदम प्रॉपर हॉलीवुड के लेवल में अपन ये मूवी क्रिएट करेंगे। बट अगर मैं इसके बजट का अंदाज़ा लगाऊं तो 135 लगभग 300 करोड़ के आसपास क्रिस 4 का बजट जा सकता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि क्रिस 4 के लेकर कुछ बड़ा चल रहा है राकेश रोशन के दिमाग में। वैसे क्रिस 4 की शूटिंग 2025 के स्टार्ट में कर दिया जाएगा और हाँ, प्रोडक्शन का काम 2024 के एंड में लगभग खत्म हो जाएगा। अभी रिसेंटली में आई मूवी वार के साथ साथ ऋतिक रोशन ने क्रिस 4 पर भी काम करना चालू कर दिया है और हाँ, इसकी स्टोरी सारे पार्ट से थोड़ी सी अलग होगी। कहने का मतलब है कि राकेश रोशन का ये कहना है कि ये मूवी कुछ अंतरिक्ष में क्रिएट किया जाएगा, मतलब अंतरिक्ष को लेकर इसका स्टोरी बेस है, मतलब स्टोरी प्ले किया जाएगा। वैसे क्रिस 4 में कुछ कैरेक्टर को चेंज करने और कुछ कैरेक्टर को रिप्लेस करने या फिर कुछ कैरेक्टर को नए कैरेक्टर के रूप में कास्ट करने की बातें चल रही है, जिसमें पहला नोरा फतेही और दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हो सकते हैं। मतलब अभी ये बातें चल रही है, कुछ कंफर्म नहीं है, बट एक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि नोरा फतेही आइटम सॉन्ग्स के लिए सेलेक्ट की जाएंगी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी अपोजिट रोल में सेलेक्ट किए जाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। वैसे आपको इस मूवी के लेकर क्या अंदाज़ा है, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट।